इंडिया के सारे लॉज सबके लिए सेम हैं अगर मैंने कोई क्राइम किया है और वो सेम क्राइम आपने किया है जैसे कि मर्डर तो हमें सज़ा सेम मिलेगी इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी इस यूनिफॉर्मिटी को कुछ केसेस में पर्सनल लॉज रिप्लेस करते हैं तो ये पर्सनल लॉज क्या होता है हमें पता है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी मतलब इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन पर्सी सब हैं और ये सब रिलीजन के अपने कुछ पर्सनल लॉज हैं एग्जाम्पल हिंदू लॉ में हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट एन सिक्सोलूशन मैरिज एक्ट नाइनटीन थर्टी नाइन ऐसे ही हर रिलीजन के अपने कुछ UCC, Code, पर्सनल लॉज है और यूसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं पर्सनल लॉस को रिप्लेस करता है और सभी रिलीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। जब ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी तो उन्होंने यू लाने की बात रखी थी और काफ़ी डिबेट हुई इस टॉपिक के रिलेटेड किसी ने बोला ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड होना चाहिए किसी ने बोला कि ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए किसी ने कहा कि हम किसी भी कम्युनिटी ग्रुप सेक्शन को फोर्स नहीं कर सकते पर्सनल लॉस तो रिमूव करने के लिए काफी डिबेट के बाद लास्ट में विद विदो फोर ऐड हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अंडर आर्टिकल 44। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि इंडिया में यूसीसी की जरूरत है ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन 2018 में यू को एग्जामिन करते हैं और रिपोर्ट मेंशन करते हैं जिसमें वो लिखते हैं दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड निदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज और ये भी सुजेस्ट किया कि यू लाने की बजाय एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज में जो प्रॉब्लम है उसे रिमूव किया जाए ताकि डाइवर्सिटी हमारी प्रिजर्व रहे अब आपको क्या लगता है कि यू का ऑल्टरनेटिव कोई और हो सकता है जिससे डिवर्सिटी प्रिजर्व रहे तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि स्टेट के पास पूरी पावर है किसी भी सोशल जस्टिस को ख़त्म करने की जब हिंदू कोर्ट बिल आया था तो गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया था और जो भी ड्रॉबैक्स थे वो रिमूव किए थे तो मुस्लिम लॉ में चेंजेस करने के टाइम पे यू क्यों लाया जा रहा है बिना यू के भी डिज़ायर चेंजेस किए जा सकते हैं बट अगर हम दूसरी साइड देखें तो यू से डिवर्सिटी कभी ख़त्म नहीं होगी जैसे आर्टिकल 14 क्वालिटी के आने से डाइवर्सिटी खत्म नहीं हुई वही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क से डाइवर्सिटी खत्म नहीं हुई तो यू -सी -सी से कैसे हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पर्सनल लॉज को चेंज होना ही होगा अब हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स यूसी के डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यूसी के क्या प्रोज हैं सबसे पहले जो यू है वो हमें जेंडर इक्वेलिटी प्रोवाइड करेगा हर सिटीज़न को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करेगा और हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करेगा और अगर हम वहीं यू का नेगेटिव साइड देखते हैं तो यू बहुत ही सेंसिटिव टास्क है बहुत ही प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होने वाला यू को इम्प्लीमेंट करना कंट्री में क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इसमें स्टेट का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना भी ज़रूरी है और हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट कभी भी पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं ये भी प्रसप्शन लगाया जाता है कि यू के आने से हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगा रिसेंटली बीजेपी ऑफ उत्तराखंड ने यू बिल पास किया स्टेट लेजिस्लेटिव में और पहला स्टेट बना है टू पास यू और वहीं पे ओपोजिशन पार्टी ने इसे काफ़ी अपोज़ किया था जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ग्रैंड सन प्रकाश अम्बेडकर जी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम यू को इम्पोज नहीं कर सकते हमारे कंट्री में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है और वहीं यू हमारा रिलीजियस फ्रीडम हमसे ले लेता है वहीं पे दूसरी साइड ओपोजिशन लेजिस्लेटर्स ने बोला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज नहीं कर रहे बट एक बार हम एग्ज़ामिन करना चाहते हैं इस बिल को ताकि अगर इसमें कोई भी फ्लॉज ड्रॉबैक्स होंगे तो हम उसे रिमूव कर पाएँ और दूसरी साइड बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम यूसीसी बिल को और भी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे राजस्थान और असम ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि वो अपने स्टेट में यूसीसी बिल को रिप्लीकेट करेंगे तो ये था आज का नया टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ